गाजीपुर के एक छोटे से गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। 7 जून की रात जब गांव के लोग एक शादी के जश्न में मग्न थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में एक परिवार की खुशियों को खून से रंग दिया जाएगा। 16 साल के ऋतिक के घर लौटते ही उसे जो दृश्य देखने को मिला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसके माता पिता और भाई की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आया जब पुलिस की जांच में हत्यारे का खुलासा हुआ। यह एक ऐसा सच था जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। तो चलिए मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक खेलवा गांव है जो नंदगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है। इस गांव में 7 जून की रात को एक घर में शादी समारोह था और उस समारोह में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था और उस ऑर्केस्ट्रा को देखने के लिए गांव के बहुत सारे लोग वहां पहुंचते हैं, जिसके कारण वहां भीड़ लग जाती है और उसी भीड़ में एक ऋतिक कुमार नाम का लड़का भी शामिल था। वो वहां अपने दोस्त के साथ पहुंचा था जिसका नाम अभिषेक था। ऋतिक रात के 2 बजे तक ऑर्केस्ट्रा देखता है और जैसे ही 2 बजता है वो अपने दोस्त अभिषेक को घर चलने के लिए परेशान करने लगता है। अभिषेक अपने दोस्त ऋतिक के कहने पर घर वापस जाने के लिए मान जाता है। उसके ये दोनों घर पहुंचते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही ऋतिक अपने घर में कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है। ऋतिक के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग उसके घर पहुंचते हैं। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो इनके होश ही उड़ जाती है, क्योंकि इनके सामने जो नजारा था जिसे देखकर किसी भी इंसान के होश उड़ जाएगा। उनके सामने एक नहीं बल्कि 3-3 लाशें पड़ी हुई थी। ये तीनों लाशें ऋतिक के परिवार वाले के थे। पहली लाश 45 साल के मुंशी बिंद का था जो ऋतिक के पिता का था। दूसरी लाश उसकी माता देवंती का था जिनकी उम्र 40 साल थी। और तीसरी लाश जो उसके भाई रामाशीष का था जिसकी उम्र 20 साल था। सभी के गले पर गहरे घाव थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि बड़ी ही बेरहमी से इन लोगों का किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी है। फिर किसी ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इसके बाद पुलिस ऋतिक से पूछताछ करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी पर शक है तो बता दो। ऋतिक गांव के ही एक राधे नाम के व्यक्ति पर शक जताता है, क्योंकि ऋतिक के घर वाले और राधे नाम के व्यक्ति से कुछ दिन पहले ही लड़ाई हुआ था। जब पुलिस राधे के घर वालों से पूछताछ करते हैं तो राधे की मां कलावती देवी बताती है कि मेरा बेटा राधे मकान बनाने के काम में मजदूरी करता है। राधे का एक बेटा भी है जो मात्र 8 साल का है। उसकी मां कहती है कि मेरा बेटा अकेले 3 हट्टे कट्टे लोगों की हत्या कैसे कर सकता है। इसमें मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। मेरा बेटा निर्दोष है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। ऐसे में पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और मामला भी बहुत सेंसिटिव था। ऐसे में वो कोई गलती भी नहीं करना चाहते थे। फिर पुलिस वाले गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं, जिसमें बहुत से नए नए खुलासे होते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि ऋतिक राधे की बेटी से प्यार करता था और राधे ने एक दिन लड़की को ऋतिक से बात करते हुए पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों के घर वालों को उनके अफेयर का पता चल गया। इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच झगड़े होने लगता है। इसी के चलते करीब 1 महीने पहले एक दिन ऋतिक अचानक घर से गायब हो गया था। ऋतिक गायब होने के 20 घंटे बाद घर वापस आता है और घर आकर उसने घर वालों को बताया कि मुझे लड़की के पिता ने यानी राधे ने घर से भाग जाने के लिए पैसे देकर जबरदस्ती ट्रेन पर बैठा दिया था। यहां से मुझे बनारस ले जाकर अपने किसी पहचान वाले के यहाँ रोक दिया था। गांव में जब बात बढ़ने लगी तो मुझे वापस गांव लाकर छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस फिर ऋतिक से पूछताछ करते हैं तो उसके शब्द कुछ बदले बदले से लगते हैं। तब पुलिस को ऋतिक पर शक होता है। इसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है जिससे वो टूट जाता है। इसके बाद जो कहानी सामने आई जिसे सुनकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मात्र 16 साल का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है, और वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। तभी उसे अपने ही गांव के एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। घर वालों ने लड़की से दूर रहने के लिए कहा। उन्हें लगता था कि अभी इसकी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, अभी इसे प्यार मोहब्बत से दूर ही रहना चाहिए। आरोपी ऋतिक पुलिस को बताता है कि वो उस लड़की से 2 साल से प्यार करता था
और लड़की भी उससे प्यार करती है और शादी करने के लिए तैयार भी थे, लेकिन घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। घर वालों उस पर हमेशा उस लड़की से शादी न करने के लिए दबाव बनाते थे। वारदात के कुछ दिन पहले घर वालों ने इसे मारा पीटा था। घर वाले ने इसे लड़की से मिलने पर पाबंदी लगा दिया था, फिर भी इसने चोरी छिपे एक नया सिम कार्ड खरीद लेता है और उस नए सिम कार्ड से लड़की से बात करने लगता है। 6 जुलाई को पिता मुंशी राम ने बेटे को मोबाइल से बात करते हुए पकड़ लेते हैं और गुस्से में सिम कार्ड निकालकर फेंक देते हैं। इसके बाद बेटे ने गुस्से में आकर अपना मोबाइल तोड़ देता है। इस घटना के बाद ऋतिक को इतना गुस्सा आता है कि अपने ही माता पिता और भाई को अपने रास्ते से हटाने का मन बना लेता है। इसकी प्लानिंग ये 3 दिन पहले से शुरू कर देता है। ये 3 दिन तक खुरपी की धार तेज करता है। घटना की रात ये अपने पिता और भाई के साथ एक शादी समारोह में जाता है और रात 11 बजे तीनों घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद पूरा परिवार सो जाते हैं, लेकिन आरोपी नहीं सोता है। जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाते हैं, तब ये हत्या करने के लिए खुरपी लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन ये उस वक्त बहुत डरा हुआ था, इसलिए पहली बार में ये हत्या नहीं कर पाता है और अपना कदम पीछे कर लेता है। इसके बाद ये घर में ही शराब पीता है और दोबारा से खुरपी लेकर आगे बढ़ता है। सबसे पहले चरपाई पर सो रही माँ को एक ही बार में मार डालता है। इसके बाद अपने पिता पर पहला हमला करता है। तब वो दर्द से कराहते हैं और जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, तभी दूसरी बार कर देता है और इनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर अपने बड़े भाई के कमरे में जाता है जहां वो सो रहा था, और जब उसकी गर्दन पर खुरपी से वार करता है, तब वो छटपटाते हुए कमरे से बाहर की ओर भागता है, लेकिन सांस की नली कट जाने की वजह से गिर पड़ा और उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद ये खून से सने खुरपी और चाकू को खेत में फेंक देता है। हत्या करने के बाद कपड़े बदलकर फिर से ऑर्केस्ट्रा देखने चला जाता है। वहां जाने के 15 मिनट बाद ही वह अपने पड़ोस के एक युवक से घर वापस लौटने की जिद करने लगता है। वह जब पड़ोसी युवक के साथ घर पहुंचा तो घर के अंदर जाते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर आसपास के लोग आए और पुलिस को सूचना देते हैं। इसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल खुरपी और चाकू भी बरामद कर लेती है। आरोपी के खिलाफ नंदगंज थाने में पुलिस ने धारा 103 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड का प्रावधान है, लेकिन लड़के की उम्र 16 वर्ष है, इसलिए अभी उसे किशोर सुधार गृह भेजा गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची अपराध की कहानी। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही और क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आपको किस केस पर चाहिए।